समझ में आता। अब तुम्हारे ये कानून गीला हो गया सर। तो देखो यार, स्त्री 2 मूवी के अंदर कमाल करने के बाद राजकुमार राव फिर से एक बार तैयार है अपनी अगली मूवी के साथ, जिसका नाम होने वाला है विक्की और विद्या की वो वाली वीडियो। यस, वो वाली वीडियो जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है तृप्ति धीमरी, जो कि आपको 11 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। उसका जो ट्रेलर है वो हमारे सामने निकल के आ चुका है। कैसा इसका ट्रेलर है, किस बारे में मूवी होने वाली है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइन 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो बात करते हैं कि इस मूवी की स्टोरी जो है वो दो मेन कैरेक्टर को फॉलो करने वाली है, विक्की और विद्या, जिनकी शादी अभी रिसेंटली हुई है। और आपको टाइम दिखाया गया है 1997 का, और वो लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि वो जो है अपने सुहागरात की वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, ताकि उसको जो है वो लाइफ टाइम तक देखकर खुश हो सके। तो एक बार वो जो है मजे मजे के अंदर उस वीडियो को देख रहे होते हैं, और किस तरीके से अगली सुबह जो है उनके घर में चोरी होती है, सीडी प्लेयर जाता है, साथ में सीडी जाती है, और किस तरीके से वो लोग जो है यार पुलिस को बुलाते हैं, और जो पुलिस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है विजय राज, कितने कमाल के एक्टर बताने की जरूरत नहीं है। अब किस तरीके से उस सीडी को लेके कमाल की इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, बहुत कमाल का केओस होने वाला है, और जिस लेवल की कॉमेडी यहाँ पे देखने को मिल रही है उसको देख के मेरे को पर्सनली मजा आया। तो ये सीडी जो है वो कितने कारनामे करवाती है, यही इस पूरी मूवी की स्टोरी होने वाली है, जिसको जानने के लिए आपको और मेरे को जो है 11 अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा, जिस दिन आपको ये सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और अगर मेरे को आपके सामने इसके ट्रेलर का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो, मैं बोल सकता हूँ भाई साहब इसकी कॉमेडी बहुत ज़बरदस्त लगी मेरे को, एक्टर्स दोनों के दोनों अच्छे हैं, चाहे आप बात करो राजकुमार राव की, चाहे आप बात करो यहाँ पे तृप्ति धीमरी के बारे में, उनको अगर अच्छा रोल मिलेगा, बहुत कमाल की वो एक्ट्रेस है। साथ में आपको देखने को मिल रहे हैं विजय राज, एक्टिंग में उनसे बढ़िया कॉमेडी मुझे लगता है कोई नहीं करता। जिस तरीके से इसके ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है कि हाँ, इस मूवी के अंदर जो है वो आपको कमाल का फन एलिमेंट प्रोवाइड करने वाला है, तो डेफिनेटली इसको लेके जो है हाइप बनती है, चाहे आप बात करें इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके की इसकी स्टोरी होने वाली है, वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो फ्रेश कॉमेडी वाली जो वाइब है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करती है। और जैसा मैंने पहले बोला कि ये मूवी जो है वो 11 अक्टूबर को आने वाली है, तो इसको लेके जो है डेफिनेटली क्लैश होने वाला है। तो देखते हैं किस तरीके से ऑडियंस जो है इसको रिस्पॉन्स दिखाती है। बहुत कम लोगों को इस मूवी के बारे में पता है, लेकिन जिस तरीके का इसका ट्रेलर बन के निकला है वो डेफिनेटली जो है उसको अप्रिशिएट करना बनता है। अब देखते हैं किस तरीके से मूवी बन के निकलती है, और क्या इसको ऑडियंस जो है कमाल का रिस्पांस देती है, नहीं देती है, वो एक देखने की बात है। लेकिन मुझे पर्सनली इसका ट्रेलर जो है वो पसंद आया। तो आप लोगों ने इसके ट्रेलर को अब तक चेक किया है, नहीं किया, आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियंस है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को आज तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे कॉन्टेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।